महामहिम राज्यपाल आदरणीय कमला जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान अरुण जेटली जी, मंत्री परिषद के मेरे सभी साथी, सभी आदरणीय सांसद एवं विधायक, सरकार के सभी अधिकारीगण और इस विशाल संख्या में पधारे हुए भाई और बहनों, आप सबका गुजरात के स्थापना दिवस पर और स्वर्णिम जयंती समारोह के अवसर पर अंतःकरण पूर्वक स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम की रचना करने वाले मित्रों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पिछले वर्ष 1 मई का एक कार्यक्रम की हमने रचना की और एक ही दिन में इस स्टेडियम पर कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी और इतनी भारी संख्या में लोग आ पहुंचे, बहुत लोगों को निराश होकर के जाना पड़ा था, राजी नाराजी का माहौल बन गया था, हमारे पत्रकार मित्रों को भी कष्ट हुआ था। इस बार उस गलती को हमने ठीक कर दिया और कार्यक्रम 1 दिवस के बजाय 2 दिवस का कर दिया और उसके कारण आज जिनको प्रवेश लेना था उसमें किसी को भी वापस नहीं जाना पड़ा और कल जिनको प्रवेश मिलने वाला है उनके लिए भी सुविधा हो गई। और इसलिए ये 2 दिन की रचना की, इसलिए मैं योजकों को अभिनंदन देता हूं ताकि नागरिकों को असुविधा न होगी। भाइयों बहनों, स्वर्णिम जयंती वर्ष का समापन हो रहा है, लेकिन हमने स्वर्णिम जयंती वर्ष में जिस प्रकार से कार्यक्रमों को देखा उसमें हम शरीक हुए, जैसे मानो 1 साल के भीतर भीतर गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों की जनशक्ति के साक्षात्कार का वो पर्व बन गया। कितनी अपार शक्ति का समूह है हमारे पास, 12 करोड़ भू जाए, 6 करोड़ सपने, क्या कुछ कर सकते हैं, यह हमने स्वर्णिम जयंती वर्ष में अनुभव किया। कितने विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिए और इस स्वर्णिम जयंती वर्ष में ये जनशक्ति के साक्षात्कार की अनुभूति हुई है। उसके साथ साथ इस देश की किसी भी सरकार पर ईर्ष्या आ जाए, किसी भी सरकार को मन में हो जाए कि गुजरात में कैसे हो रहा है, वो घटना यानी मेरी सरकार के चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक 5 लाख से अधिक मेरे कर्मियों की भाइयों बहनों ने इस 1 वर्ष में लोकहित के लिए,
जन सुखाकारी के लिए, विकास के लिए इतना काम किया है, जो काम 10-7 साल लग जाए उस काम को एक साल में कर दिया, जिन लक्षणों को पार करने के लिए 2-2, 3-3 बजट चले जाए, मेरे 5.5 लाख कर्मयोगी भाइयों ने स्वर्णिम जयंती अवसर पर अनेक सिद्धियां प्राप्त करके गुजरात की जनता के चरणों में समर्पित कर दी है। मैं आज मेरे सभी कर्मयोगी भाइयों को अंतःकरणपूर्वक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और ये शक्ति जो देखी है इससे मेरा विश्वास और बड़ा है, और मैं अनुभव कर रहा हूं कि स्वर्णिम जयंती का वर्ष हमारे लिए स्वर्णिम युग का शिलान्यास बन गया है। आज स्वर्णिम जयंती वर्ष पूर्ण हो रहा है, उसी समय स्वर्णिम युग का आरंभ हो रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं अगर सरकार में 5 लाख से अधिक कर्मयोगी जन सेवा में इस प्रकार से जुड़ जाए तो हिंदुस्तान की किसी भी सरकार को ईर्ष्या होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसी 11 लाख भुजाएं हैं जो गुजरात की जनता की सेवा के लिए हर पल प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। भाइयों बहनों, आज यहां 2 ग्रंथों का लोकार्पण हुआ, एक जो 3 वॉल्यूम में ग्रंथ निकाले हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ लोगों को सुबह शाम वो गुजरात का तो नाम देना भूल जाते हैं, लेकिन मोदी को याद किए बिना रह नहीं सकते। दो घंटे के समारोह में 108 बार मोदी को याद न करें तो उनको पुण्य नहीं मिलता। जो आए दिन गुजरात की आलोचना करने की आदत रखते हैं, सरकार की आलोचना करने की आदत रखते हैं, ये सरकार का दिल कितना बड़ा है, हमारे लिए 50 साल का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, इसका उदाहरण मैं आज प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज हमने जो 3 ग्रंथ पब्लिश किए हैं, इन ग्रंथों में 1960 के बाद हर वर्ष विधानसभा का जब सत्र होता है तो महामहिम राज्यपाल श्री विधानसभा को संबोधित करते हैं, और महामहिम राज्यपाल श्री वो भाषण करते हैं जो उस समय की सरकार की कार्यवाही का ब्यौरा देते हैं, कार्य का ब्यौरा देते हैं। इस सरकार की उदारता देखिए कि हमने गुजरात विधानसभा में पिछले 50 साल में सभी महामहिम राज्यपाल श्रीयों के जो भी भाषण हुए हैं, जो सभी सरकारों की उपलब्धियों का वर्णन करते हैं, उसका ग्रंथ आज गुजरात की जनता के सामने समर्पित किया है। अगर हम चाहते तो सिर्फ भाजपा सरकार की तारीख के ग्रंथ निकाल सकते थे, लेकिन वो रास्ता हमें मंजूर नहीं। हमने जब स्वर्णिम जयंती रथ यात्रा का प्रारंभ किया था, गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता का जन्म स्थान अमरेली से प्रारंभ किया था, और हम इस बात को पब्लिक भी कहते हैं कि आज गुजरात जो भी है
50 साल तक की उसकी यात्रा में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, जिन जिन सरकारों ने कार्य किया है, जो जो मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व में आया है, इन सबका सामूहिक प्रयास उसी का परिणाम है कि आज गुजरात इस ऊंचाई पर पहुंचा है। यह अकेले नरेंद्र मोदी के कारण नहीं है, यह अकेली सरकार के कारण नहीं है, ये 50 साल की सभी सरकारों का योगदान है। हम उदारता भी जानते हैं, हम ऊंचाई से अपनी बात भी करना जानते हैं, और गुजरात की जनता हमें भली भांति पहचानती है। अब इस जनता को मन में कोई सवाल नहीं है कि हमारे इरादे क्या है, हमारे मकसद क्या है, हमारी सोच क्या है। भाइयों बहनों, 24 घंटे जब भी मैं जागता हूं, सिवाय गुजरात के कुछ नहीं सोचता। मेरे 6 करोड़ गुजराती भाई बहन, उनका भाग्य बदलना यही एक प्रयास है। और आज हिंदुस्तान में विकास की जब भी चर्चा आती है, तो उस चर्चा में गुजरात केंद्र में होता है और गुजरात के आसपास ही विकास की चर्चा होती है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे, चुनाव प्रचार के लिए गए थे, और पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना करने के लिए उन्होंने जो भाषण किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना का भाषण करते समय उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को रोजी रोटी नहीं मिलती है, इससे तो ज्यादा अच्छी स्थिति गुजरात में मुसलमानों की होती है। ये प्रधानमंत्री का वादा है और अभी पिछले हफ्ते का है। भाइयों बहनों, गुजरात को किसी के प्रमाण पत्र मिले या न मिले, लेकिन सत्य हमेशा उजागर होए बिना रहता नहीं है। हमें विकास को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। विश्वभर में फैले हुए मेरे गुजराती भाइयों ने इस स्वर्णिम जयंती के अवसर के साथ गुजरात के साथ अपना नाता और अधिक जोड़ दिया। जो 100-100 साल से पहले गुजरात छोड़ के गए थे, उनके पूर्वज, वे आज फिर से गुजरात के साथ जुड़ गए, क्योंकि स्वर्णिम जयंती अवसर ने सबको जोड़ दिया है, सबको अपने साथ मिला लिया है। विकास का कोई भी क्षेत्र हो, गुजरात एक नई ताकत के साथ खड़ा हुआ है। जो लोग विकास की बातें करते हैं, आपको जानकर के हैरानी होगी मेरे भाइयों बहनों, इस राज्य के आदिवासी क्षेत्र में साइंस स्ट्रीम की स्कूल तक ये लोग चालू नहीं कर पाए थे। मैं हैरान था, मैंने सरकार में आने के बाद देखा कि ट्राइबल बच्चों को अगर विज्ञान प्रवाह की स्कूल नहीं है तो इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनेंगे। और 1 साल के भीतर भीतर हमने निर्णय किया, आज गुजरात का एक भी ट्राइबल तालुका ऐसा नहीं है कि जहां पर विज्ञान प्रवाह की स्कूल ना हो। क्या ये काम नहीं कर सकते थे?